छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। हमने कर लिया तैयारी फिर से एक नई ट्रिप की जाने की। ये जो जगह है जहां हम लोग जा रहे हैं, ये मेरी फेवरेट जगह है। फेवरेट यानी ऑल टाइम माय फेवरेट। तो आप देखिए मेरे हेजोक कितने बड़े हो गए हैं। हनी काश है, बनी बाहर निकलो, उसको पता नहीं दिन के टाइम में छुपना ही रहता है। अच्छा खाते बड़े हो चुके हो और ओह या दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो चला भाई, बहुत ही हर ट्रिप पे मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तो चला, तो चलिए बैग पैक करते हैं, राइडिंग गियर डालते हैं और निकलते हैं। वैसे बता देना कहाँ सफर में, ऐसे भी तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा उसके अंदर। किस में? नीचे में क्या बोलते हो उसे? अरे वही जो तो उसके नीचे लिखा रहता है। अरे वही ना रे बाबा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या बोलते हैं यार, कैप्शन में देख लिया होगा क्या, तो फिर जो लिखा हुआ उस पर लिख लिया होगा, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। ये ऐसा भी होता है कई बार। चलो चलते। आप लोग सोचेंगे कि ये मैं कहाँ आ गया एडिटिंग स्क्रीन पर मेरे, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है क्योंकि इसके पहले मैंने आगरा की ट्रिप करी थी, फिर उसके पहले चिखलदरा की ट्रिप करी थी, और ये पूरी की पूरी ट्रिप बरसात में हुई थी। और बरसात में होने की वजह से मेरा माइक ख़राब हो गया और उस चीज़ पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तो जो हम लोग गोप्रो के अंदर डाल लगाते हैं माइक, वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। और इस बार की जितनी भी रिकॉर्डिंग थी मेरी, सारी की सारी बंद हो गई। तो मेरे जितने भी इमोशंस होते हैं वो मोटो व्लॉगिंग के अंदर ही बाहर आते हैं उछल उछल के। आप लोगों ने बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे जब मैं घर आया, और जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था तो मैंने देखा यार कहीं पर भी वॉइस ही नहीं है। मैं यार इतना अफसोस कर रहा हूँ कि क्या बताऊँ, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग ना एक तो वैसे ही काफ़ी महंगा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होता है मोटो व्लॉगिंग का, बहुत महंगे सेटअप वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद आपको पता चलता है घर आ गया कि आपने जो इतने खूबसूरत जो रिकॉर्डिंग करी, आपकी जो इतनी खूबसूरत से इमोशंस है, वो पूरे के पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। देखिए जब म्यूट है माइक, यार इतना अफसोस होता है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। जो मेरी इसके पहले जितनी भी ट्रिप्स थी, जैसे कि चिखलदरा की, फिर आगरा की, पूरे तरीके से बरसात में हुई थी और वो माइक भीगा था। मेरे को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर से मैंने कनेक्ट किया, और क्योंकि कंटिन्यू राइड हुई थी ये मेरी तीनों की तीनों, तो मैंने कनेक्ट किया और शुरू कर दिया मोटो व्लॉगिंग, और घर आके पता चल रहा है कि माइक ख़राब था। तो इस बार वाली जो भी ट्रिप है मेरी, ये वाली, इसमें पूरे तरीके से वॉइस ओवर ही होने वाला है। तो इसके लिए ऐसा वाला सिचुएशन में होगी मैं, मेरे साथ ही क्यों। तो अगली बार ध्यान रखना पड़ेगा सब चीज़ों का। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाए। तो ये पेट्रोल पंप के साथ मेरी अलग ही बॉन्डिंग है। मैं सुबह 4 बजे जाऊँ, सुबह 5 बजे जाऊँ, सुबह 6 बजे जाऊँ, या दिन में 10 बजे जाऊँ, ये पेट्रोल पंप भैया मुझे, पेट्रोल पंप वाले भैया मुझे देखते थे मुस्कुराते और बोलते हैं आ गया बेटा तू। तो देख के उनकी मुस्कुराहट, मुझे देखते से ही मुस्कुराने लग जाते हैं वो। और मैं जो भी लॉन्ग ट्रिप करते हैं पहला पेट्रोल पंप इन्हीं के पास जाके भरता हूँ। और मैंने कुछ अंदाजन से, मेरे हिसाब से मैंने पेट्रोल भरा था 1000 रुपये का। कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। अरे नहीं नहीं रुकिए, 850 रुपये का पेट्रोल हुआ था। यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। तो ये छिंदवाड़ा चौक पर मैंने कर लिया गूगल मैप पूरी तरीके से सेट, क्योंकि यहाँ से जो पचमढ़ी वाला रूट है वो है 105 किलोमीटर, और दूसरा रूट है 135 किलोमीटर, और दोनों ही रूट इतने ज़्यादा घाट वाले हैं कि क्या बताऊँ, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत ही गाड़ी स्लो चलानी पड़ती है। 105 किलोमीटर के लिए 3 घंटे, जहाँ मैं 105 किलोमीटर चलाता हूँ 45 मिनट में, वहाँ मुझे चलाना पड़ रहा है 3 घंटे में। इसलिए मैंने लगाया गूगल मैप सेट और इस धुआंधार बारिश के अंदर चला दी अपनी बाइक, और नॉन स्टॉप बाइक चलाते हुए बारिश के अंदर हम लोग काफ़ी देर तक किरण करे, जहाँ के अंदर पहाड़ों के अंदर जैसे हम लोगों ने घुसे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखे, खूबसूरत से झरने देखे, खूबसूरत से घाट देखे, खूबसूरत से जंगल देखे, सब कुछ खूबसूरत ही था, और बहुत खूबसूरत से एक्सीडेंट भी देखे। और बीच बीच में माइक भी ठीक हुआ, फिर से वही टर्न
मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके देख सकते हो, इसी जगह पे खड़े होकर मैंने फोटो खींचा और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया हूँ। और वो पहाड़ की फोटो भी आई है उसके अंदर, जहाँ पे रमीज और मैं दोनों खड़े थे। और ये यहाँ पे पिछली बार मोहन ने और अन्ना ने दोनों ने मूते थे, ये वो जगह है जहाँ पे। यार अभी गूगल मैप के अंदर एक चीज़ नहीं देखा, मेरे को नया रूट दिखा रहा है पचमढ़ी जाने के लिए, तो अब देखते हैं कि नया रूट लेता हूँ कि पुराने रूट पे चलता हूँ। मेरे तो दिल है कि मैं पुराने रूट पे जाऊँ, क्योंकि उस रूट पे ना घाट बहुत खूबसूरत है। मैं कम से कम 30 से 35 किलोमीटर का फर्क आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने स्टॉप लिया और ये देख रहे हो कितना ज़्यादा, इस बार पता नहीं बहुत ही अजीब सी पैकिंग कर रहा हूँ मैंने, कुछ भी सही तरीके से नहीं है। ये देखो इतने सारे केबल्स सिर्फ टॉप इसके अंदर, टैंक बैग के अंदर, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और रास्ते में ना मैंने बाइक में से ये सब निकाल लिया था, क्योंकि देख रहे हो पूरे तरीके घोपरों की क्या बरसात भी ना समझ में नहीं आ रही यार, कितनी अजीब है। हाँ तो ये ऐसा है कि घोपरों की भी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, और अब मैंने लिया हूँ एक ब्रेक, छोटू सा ब्रेक, ज़्यादा बड़ा ब्रेक नहीं, छोटू सा ब्रेक। और एक और चीज़ बताना भूल गया था, रूम कार मेरे भाई, आई एम सो सॉरी इसके लिए। अब दो भैया पराठा आने का, और पराठे के पहले अचार आ गया, थैंक यू भैया। तो ये आ गए भैया हमारे पराठे, लग गई थी भूख, घर से निकला था तब खाया था, कितने बजे शायद 8 या 9 बजे, उसके बाद अब खा रहा हूँ। पराठे सही बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, मैं तो हमेशा सूखे सूखे दिखते हैं, थोड़े गीले गीले दिख रहे हैं, तो आ जाइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अबे ओमकार मेरे भाई सॉरी, दो दिया था एक घुमा दिया, तो दिल की गहराई से माफ़ी चाहता हूँ, और नया ग्लव ला के दे देना यार भाई प्लीज़, ये मेरी फेवरेट राइड थी उसी के लिए लिया था, लेकिन सॉरी भाई घुमा दिया, एक नया ग्लव फिर से तू ही ला के देगा। हाँ तो ये यहाँ का होटल मेरे को सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आया, होटल बहुत अच्छा है, और पराठे मेरे को बहुत अच्छे लगे, कॉफ़ी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया लेकिन अच्छा है। और मैं हमेशा मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में रुकना पसंद करता हूँ जब भी कहीं जाता हूँ, और ये रूट तो मेरे दिमाग में था छपेला है, फिर भी मुझे लगा कि एक बार थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, और एक बार चेंज करके ना थोड़ा सा अच्छा लगा, ठीक है बहुत अच्छा लगा, अच्छी जगह, और मैं बोलूँगा कि रुकना चाहिए। और स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था, अच्छा था, होटल गुरु कृपा तामिया। तो अब मैं सीधा रुकेगा पचमढ़ी के अंदर, या तो फिर अगर मेरा मूड हुआ तो एक बार और रेस्टोरेंट में रुकना, तो शायद एक बार और रुकूंगा, फिर वही हुआ जो पिछले 3 साल में नहीं हुआ था। हाँ तो जी, जब से मैंने बाइक ली है ये बाइक पहली बार पंचर हुई है, और ऐसी जगह पर खड़ा कर रहा हूँ ना कि वो आगे पीछे करने में सूख रही है। कैसा पता चलता है यार भैया पंचर करके? अरे सॉरी आपको, टायर की हालत ठीक है कि खराब है? टायर टायर तो ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा टायर। अपन ने एयर प्रेशर लेके आए थे, लेकिन अपन रिस्क नहीं लेना चाहते, ये अचानक से कम हुई है भैया अभी खड़े खड़े। अच्छा ये जो टायर में क्रैक पड़े इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये हवा कम कारण हुआ जी। हाँ क्या लगाओ यार, जल्दी लगाओ भैया उसको, हीरो है हमारे भैया, पीछे हीरो भी लिखा हुआ है, थैंक यू भैया। दूसरा वाला जाते हुए लग गया लग गया लग गया, ये ठीक है क्या? 5 मिनट के बाद फिर वही मानसून में जो होता है बारिश पचमढ़ी तक के। हाँ तो यहाँ पेट्रोल भरे हमने 950, और पूरे रास्ते में इतनी बारिश है ना कि मतलब कैमरा लगाना बहुत मुश्किल है, तो मैंने कैमरे को यहाँ रख दिया। अब सीधा मिलते हैं पचमढ़ी के अंदर। फुल बारिश में राइड करने के बाद 6 घंटे के बाद हम पहुंचे पचमढ़ी। हाँ तो ये देख रहे हैं हम लोग पूरे तरीके से भीगा हुआ हूँ मैं ऊपर से नीचे तक के टाइट, ये देखो रेन गियर,
और ये देखो पूरे गीले पच पच। तो मैं पहुंच गया होटल के अंदर। अब आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, यानी चेंजिंग के बाद। हाँ तो जी, साफ सफाई करने के बाद थोड़े से ठीक लग रहे और रूम को पूरे तरीके से फैला के रखे हुए। टाइम देख लो, हो रहा है 6:28 और पहली बार इतना रुक रुक के पहुँचाऊँगा शायद मैं। पूरे 5-5.5 घंटे लगे पहुँचने में यहाँ पे। मुझे पता है वॉइस बहुत ही बेकार आ रही होगी क्योंकि उस साइड में फ़ैन चालू है। ये हर होटल में मेरा फेवरेट जगह है, आईने के सामने खड़े होकर व्लॉगिंग करना। हाँ, और अभी आने वाला है अंकुश, जो हर साल मेरे वीडियो के अंदर रहता है, तो फिर से आने वाला है और इस बार पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। तो आज तो नहीं जाएंगे, आज नाइट में थोड़ा सा बाहर जाएंगे, हल्का फुल्का खाएंगे, देन वापस होटल में आके सोएंगे और कल जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो अंकुश बताएगा आज के वीडियो में, मतलब थोड़ी देर के अंदर। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी पचमढ़ी आ रहा है तो क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी अभी टाइट चल रही है यहाँ पे। मैं इसके पहले भी पचमढ़ी आया हूँ लेकिन इतने ज़्यादा सिक्योरिटी में मैंने कभी नहीं देखा जितना अभी इतनी सिक्योरिटी। 4 जगह पे साइन करवाए हैं मेरे से उन लोगों ने, आओ इतनी सिक्योरिटी, क्योंकि इसके पहले भी आए थे आधार कार्ड दे दो टेंशन फ्री हो जाओ, लेकिन इस बार 3-3, 4-4 जगह पे साइन करवाए हैं। हाँ तो जी, हमेशा की तरह मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अंकुश हमेशा की तरह अंकुश फिर आ गया भाई, दोस्त हो तो अंकुश जैसा हो, जो एक बोलने में फिर से आ गया। तो अंकुश नहीं, वीडियो ले रहा था। अरे अंकुश ना, तू साला हमेशा कुछ यूनिक चीज दिखाता है। अभी ना यहाँ पे पीछे क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पे अंकुश को अच्छी चीज दिखा रहा है, ये देखो। किसी को वश में करना है तो काला जादू। काला जादू कर सकते हो इतने भाई। यहाँ पे टोटो सुइया मृगनेनी, पहले ये इसका पुराना नाम मृगनेनी था। मृगनेनी मतलब जो हिरण होते हैं ना, उनको मृग कहते हैं अपन। तो ये क्या, यहाँ पर जंगल था पूरा, तो यहाँ पर पहले जब पूरा हिरण वगैरह रहते थे यहाँ पे, तो लोगों ने पचमढ़ी के लोगों ने इसका नाम मृगनेनी रख दिया है। हाँ, और अब इसको क्या है, लीज पे चला गया है ये। MPT के अंडर आता है। और अब लीज पे चला गया है तो अब ये टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है इसको। तो यहाँ फोक डांस और संगीत और भी डांस वगैरह होते हैं, लेजर शो वगैरह भी होता है। हाँ, लेजर शो होता है। लास्ट टाइम जब अपन आया था तब ये सब नहीं था, ये पूरा बंद था, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम ये बन रहा था उस समय। अभी क्या, अभी सब बारिश के कारण बहुत से प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो यहाँ पर कम से कम 10-12 प्रोग्राम होते हैं। क्या, डेली? डेली के प्रोग्राम आए। और यहाँ की जो एंट्री फीस है 50 रुपीज़ है, लेकिन हमारे लिए फ्री था। भाई के वजह से फ्री था। ये आगे का की शॉप है पचमढ़ी, पचमढ़ी आयुर्वेदिक है ये, मतलब जड़ी बूटी वाली दुकान है। मैं पचमढ़ी आ रहा हूँ, अंकुश मेरे को कभी निराश नहीं करेगा। कॉपीराइट लगने का म्यूजिक है, मतलब कॉपीराइट लगने के चांसेस इसलिए अभी नहीं कर सकता व्लॉगिंग। ये कभी निराश नहीं करेगा मेरे को पचमढ़ी में आके। कल का क्या प्लान है अपना? कल कुछ नई जगह चलेंगे अपन, संगम चलते हैं, नहीं तो अग्रण ट्रेवलिंग चलते हैं। अच्छा भैया, मेरे को ना नेपालियों से अलग प्यार है, सच सच बताओ यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है, मैं वही खाएंगा। अरे हंसो मत यार। हाँ बता, सॉरी, कल का क्या प्लान? कल संगम ट्रेवलिंग चलते हैं। ये क्या है, व्यू पॉइंट है? अच्छा, जहाँ पर कोर जोन में जाता है। अच्छा, परमिशन नहीं हुआ जाने की, मेरा अपन कल चलेंगे। ये हर बार मेरे को उस जगह लेके जाते हैं जहाँ कहीं परमिशन नहीं रहती जाने की, वहाँ घूम के आते हैं। पिछले बार ही बहुत मजा आया था यार, और जिसने नहीं देखा आई बटन में डाल दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाके देख लो। और अभी आने वाला है हमारा बहुत अच्छा खाना, लेकिन हमने ऑर्डर ही नहीं किया। करना खाना आ गया भैया, अंकुश भैया का आया मेरे को। अंकुश धोखा देखना है क्या? I'm not sure.
धोखा बोलते इसको। कल लड़ा की याद आ गई, मोहन के साथ धोखा हुआ था, उन्हें तारीफ की तारी है बोले, आज जब निकाले तो उतनी नहीं, ये दूसरी टाइम हो रहा है, पार्टी पे कभी भरोसा नहीं करता। तो नहीं रहने दो, बिल बता दो बस कितना हो गया, दे दो वो आप रख लो। क्या नाम है आपका? अरे बहुत ख्याल रखा आपने, बहुत प्यार से भी खाना खिलाया, सही बता रहा हूँ, आई लव यू भाई। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। चले अंकुश अपनी तरफ भी चलते, अब थोड़ा सा आराम करते, दिन भर से बाइक चला के थक गए, चलो सुचे के रूम पर मिलते हैं। The next day, later, the next morning. Good morning for Pachmadi. तो ये बरसात मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, और मैं सुबह उठ के पता है क्या करने गया था, और क्या कोलगेट लेने गया था। हाँ तो जी, अपन तो हो गए पूरी तरीके से फ्रेश, और बाहर जाके घूमने की तैयारी है। अब मैंने बिल्कुल भी नहीं नहाया हूँ, इसलिए नहीं नहाया क्योंकि बाहर चल रही है दबा के बारिश, नॉन स्टॉप बारिश। ये तीसरा लोकेशन है, तीसरी जगह पे आया हूँ, आगरा, चिकलदरा, पचमढ़ी, और यहाँ पे भी दबा के बारिश चल रही है। तो मैंने सोचा मैं नहीं नहाएगा, ऐसी जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है बाहर जाए बरोबर बारिश आएगी और मैं फिर से भीग जाऊँगा। और कल रात में नींद भी नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर में मेरे दर्द है। अभी नीचे जाएगा, कॉफ़ी वॉफ़ी पिएगा, फिर थोड़ा सा रिलैक्स आगे तो अच्छी बात है। तो अब आप लोगों को पता है ना क्या करने का है, इसी बात पर आप लोगों को सब्सक्राइब करने का है, फिर लाइक भी करना है, फिर दोस्तों के साथ शेयर भी करने का है आप लोगों को सारी वीडियोस को, ठीक है? और जो करना है करो, लेकिन सब्सक्राइब की बटन दब जानी चाहिए किसी भी हाल में। लव यू 3000।